सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 25 सीरीज का एक और नया वीडियो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट जीके क्वेश्चन। यहाँ मॉडरेट का मतलब है आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो उनका लेवल है वो ना तो बहुत इजी है और ना ही बहुत ज्यादा टफ है, यानी कि मॉडरेट मीडियम लेवल के प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉप 25 मॉडरेट जीके क्वेश्चन वाली सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो यह है कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। हमसे दोस्तों यह पूछ रहा है कि जो हमारा देश भारत है यानी इंडिया है, वो एशियन कॉन्टिनेंट यानी एशियाई महाद्वीप के कौन से भाग में पड़ता है। तो ये दक्षिण भाग में पड़ता है, दक्षिणी एशिया यानी साउथ एशिया में हमारा देश इंडिया लाई करता है। तो दक्षिण एशिया हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूं कि क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से हमारा जो देश भारत है, भारत कौन से स्थान पर आता है। तो हम जानते हैं कि भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये पूरे विश्व में सातवें स्थान पर है। नंबर वन पे है रशिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है एरिया के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है। तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना के बाद हमारा देश भारत ही आता है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जो ये दावा करती थी कि भारत चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। तो रिपोर्ट के हिसाब से तो भारत टॉप पे आ जाएगा, लेकिन आम तौर पर हम देखें नॉर्मली तो भारत दूसरे स्थान पर है। तो दूसरा इसका सही जवाब हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में हमने देखा कि एशियाई महाद्वीप में यानी एशियन कॉन्टिनेंट में भारत साउथ में यानी दक्षिण दिशा में पड़ता है, लेकिन हमसे अब ये पूछ रहा है कि भारत के साउथ में, भारत के दक्षिण दिशा में, या फिर आप अगर मैप को सामने से देखें तो भारत के नीचे साइड में कौन सा ओशियन यानी महासागर आपको देखने को मिलता है। तो यह है नन अदर देन हमारे देश के नाम पर रखा गया महासागर का नाम हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल की खाड़ी, यहां पर बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में है। हमसे पूछ रहा है कि बे ऑफ बंगाल, आपने नाम सुना होगा, मेरे सामने तो मैप मैं देख रहा हूं इस समय कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के कौन से दिशा में है। तो नीचे होता है साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में है यानी कि साउथ ईस्ट दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। मैं अगर मैप को आपको विजुअलाइज कराऊं तो ये मान लीजिए नीचे की ओर से हमारा मैप भारत का, ठीक है, और ये है बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र। तो ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, तो दोनों के बीच में यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन दक्षिण पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो दक्षिण पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत कितने देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जमीनी सीमा यानी लैंड बाउंड्री शेयर करता है भारत बहुत सारे देशों के साथ, तो वो बहुत सारे देश नंबर में कितने हैं। तो ये सात देश हैं, और सात देश कौन कौन से मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यही होने वाला है। तो सात इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कौन कौन से देश हैं शायद, हाँ जी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लैंड बाउंड्री हमारे सात देशों से शेयर होती है, और दो देश ऐसे हैं जिनसे वाटर बाउंड्री भी शेयर होती है। तो लैंड बाउंड्री वाले हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन यानी चाइना, भूटान, म्यांमार जिसका ओल्ड नेम था बर्मा, और जो दो वाटर बाउंड्री वाले हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये टोटल नौ हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ देश हैं जिनके साथ भारत की बाउंड्री शेयर होती है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के चार मुख्य धर्म कौन कौन से। हमसे पूछ रहा है कि भारत में पाए जाने वाले मुख्य चार धर्म कौन कौन से। वैसे तो जो हमारा देश है संविधान के हिसाब से एक सेक्युलर नेशन है यानी धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में धर्म को लोग फॉलो तो करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो कौन कौन से चार मुख्य धर्म है जो फॉलो किए जाते हैं। तो
सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, यानी हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, सिखिज्म और क्रिश्चियनिज्म, ठीक है। इसके अलावा जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, जोरोएस्ट्रिज्म और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो चार हैं वो यही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को किस वर्ष अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली, यानी आजादी का ईयर कौन सा है। आसान प्रश्न है, 1947 डेट है 15 अगस्त 1947। तो 1947 इसका सही जवाब हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप बताने वाले हैं कि भारत कौन से वर्ष में एक रिपब्लिक नेशन बन गया था, यानी गणतंत्र राज्य, गणतंत्र राष्ट्र बन गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था। ओह भाई साहब, मैंने अभी आपसे पूछा कि कमेंट बताना है, अब तो आप सभी लोग कमेंट में भरी देंगे देख करके। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक रिपब्लिक नेशन घोषित हुआ था, एक गणराज्य घोषित हुआ था, क्योंकि 1950 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया था कि मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी है, तो मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमने इसे याद भी किया था, वो कैसे, क्योंकि तारे सितारे कहां पे रहते हैं, यूनिवर्स में, और यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तारे सितारे सेलिब्रिटी, तारे कहां रहते हैं, सितारे कहां रहते हैं, यूनिवर्स में, जो कि बहुत बड़ा है। तो मुंबई में सेलिब्रिटीज यानी सितारे रहते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा है, तो मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। ओ भाई, ये मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो इजी होना चाहिए था, लेकिन मॉडरेट हो गया है, कोई बात नहीं। भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय यानी इंडियन कहते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। आगे बढ़ते हैं, और आप अगर यह वीडियो दूसरे देश से देख रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका या फिर जिस भी देश से, आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की औपचारिक, ऑफिशियल और ऑथराइज्ड लैंग्वेज भारत की कौन सी है। तो हिंदी और अंग्रेजी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और बहुत लोग हिंदी लगा देते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। भारत की औपचारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जिसमें औपचारिक काम किए जा सकते हैं। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त कब हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया। तो ये है भारतीय रुपया, यानी कि इंडियन रुपीज भारत की मुद्रा है, रुपया भारत की मुद्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा समय इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ इंडिया, टाइम यूनिट ऑफ इंडिया, कौन से टाइम यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है आईएसटी, यानी भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो ही मैं लेकर के आया हूं विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नाम कौन से शब्द से निकला है। तो ये भारत वर्ष से निकला है। हमने ये देखा था कि भारत नाम की उत्पत्ति कहां से हुई है लास्ट वीडियो में, तो वो थे राजा भरत चक्रवर्ती के नाम से। लेकिन यहां पूछ रहा है कि भारत जो ये नाम है वो कौन से शब्द से निकला है। तो ये भारत वर्ष से निकला है, तो भारत वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नाम हिंदुस्तान कौन से लोगों ने रखा था। तो ये मुगलों ने, यानी मुगल्स ने रखा था, जो कि 1526 बाबर का आना और 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु, ये टाइम पीरियड रहा है मुगलों का, और मुगलों के काल में ही भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया। भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया मुगलों के काल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के झंडे का नाम क्या है। तो यह ट्राई कलर यानी तिरंगा।
तो बहुत आसान प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान का नाम क्या। अब यहां पर बहुत से लोगों को हो जाती है कंफ्यूजन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में। आज ही ये नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, राष्ट्रगान का मतलब है नेशनल एंथम जो कि है जनगणमन, है ना। राष्ट्रगान का मतलब है नेशनल एंथम जो कि है जनगणमन, और राष्ट्रगीत जो है हमारा वो है वंदे मातरम। राष्ट्रगान को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो जनगणमन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। लीजिए प्रश्न आ गया, मैं जब जब बोलता हूं कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान जनगणमन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है। और जो इसके लेखक है रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड कौन सी है। तो ये है मोर। मोर भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय नदी कौन सी, यानी औपचारिक तौर पर ऑफिशियल तौर पर जो नेशनल रिवर है हमारी वो है गंगा रिवर, गंगा नदी, और ये लॉन्गेस्ट रिवर यानी सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है यानी नेशनल ट्री कौन सा है इंडिया का। तो ये है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। बैनियन ट्री जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।